वीडियो बनाया है और फोटो देख लिया मैंने भी। समझदारी करी आपने, बहुत अच्छा काम करा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये सांप देख चुके हैं और आज हम आए हैं बेड़शा रोड स्थित चौराहे पे और यहाँ पर इन्होंने समझदारी करते हुए सांप का जो है फोटो ले लिया है। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए कौन सा सांप है। ये लकड़ी के अंदर घुस गया है इसमें, अंदर वो नहीं कर तो गिर गया। वो वहां से उस दिन तीन पकड़ के लगे थे ना। किस दिन? वो ट्रैक्टर शोरूम के वहां से, वो एक वो टैंक में भी था। हाँ, बच्चा ने वो पूरा वो था। और ये रहे डरो मत कहीं नहीं। तो दोस्तों हमारा जो सामना हुआ है वो हुआ है धामन सांप, यानी कि रेड स्नेक से, और ये ब्लैक कलर का धामन सांप है। आप नीचे से देख सकते हैं पूरा पीला है और ये सांप काफ़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और काटते हैं। तो दोस्तों इसको जल्दी से हम पैक करते हैं और उसके बाद फिर जो है इसको प्रकृति में वापस मुक्त करेंगे। इस सांप से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये सांप विषैले नहीं होते, जहरीले नहीं होते, लेकिन काटते सभी सांप हैं, आपको हर बार हम बताते हैं हर वीडियो में। और तो दोस्तों इसको पैक करते हैं जल्दी से, एक बार फिर से नाम बताते हैं, रेड स्नेक, हिंदी में धामन, हिंदी में घोड़ा पछाड़, और नॉन वेनमस है, बिल्कुल भी विषैला सांप नहीं है और इसकी पहचान करना बहुत आसान है। ये सांप नीचे से पीला होता है। छोड़ दो वापस यहीं, ले जाओ। ये तो सांप विषैला थोड़ी है, जहरीला नहीं है, ये सांप जहरीला सांप नहीं है। अरे भैया पर क्या, जैसे वो अपने काटना ना ना भग जाते हैं तो देखिए खेत में घूम सकता है आराम से। ले जाओ आप, तो यहाँ पे तो है ही है। तो दोस्तों अभी हम आए थे बेड़शा रोड स्थित, यहाँ पर एक मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अर्जुन जी आंजना इन्होंने हमें कॉल किया था और यहाँ से हमने इस धामन सांप को रेस्क्यू कर लिया है और दोस्तों इसको वापस हम प्रकृति में मुक्त करेंगे जल्दी से जल्दी। ये सांप आपको हम बार बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि ये सांप बिल्कुल भी विषैला नहीं है और ये किसानों का मित्र सांप है। अगर आपके घर के आसपास ये सांप दिखता है तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और सांप को मारने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे दूरी बना के रखें, किसी रेस्क्यूअर को कॉल करें, वो आएंगे, रेस्क्यू करेंगे और वापस इसको जो है प्रकृति में पुनर्वास के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों वापस हम इसको जल्दी से जल्दी प्रकृति में मुक्त करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में।